सीधा डायरेक्ट एबॉर्शन के लिए बोल दिया ना, मैं तो अपना बच्चा गवा देती, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचता, बताओ फिर मैं क्या करती। रिस्पेक्ट इज एज रिस्पेक्ट इज स्टेटस। क्या बच्चों की लाइन लग जाती है, बच्चों की कोई कमी है? औरतें करती क्या है सारा दिन बच्चे ही तो पैदा करती हैं। सर नमस्कार, मैं उनीरा माटो और इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं चौधरी हॉस्पिटल के बाहर से। डॉक्टर मधु चौधरी, डॉक्टर आरके चौधरी, जो कि काफ़ी टाइम से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और आप सब लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा। कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स होते हैं वो डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन उन्हीं डॉक्टर्स द्वारा किस तरीके की बातें की जाती हैं वो आज हम आपको जब सुनाएंगे तो आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। एक फैमिली इस समय हमारे पास आई है जिनका चेकअप चल रहा था, महिला है, प्रेग्नेंट है, जिनका चेकअप चल रहा था डॉक्टर मधु चौधरी के पास। क्या कुछ इनका कहना है, क्या इनके साथ हुआ, उस पर बातचीत करेंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस खबर को हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अगर इनकी डॉक्टर्स की सही में गलती जो ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट जरूर होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? वंदना। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे पेन हुआ था जरा सा, तो मैं हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए आई। मतलब आप प्रेग्नेंट हो, पेन हुआ, चेकअप करवाने आए? कब आए थे? 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर, हाँ जी। तो फिर मेरे पेन हुआ तो फिर हमने सोचा ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आए। तो उन्होंने ये बोला कि आपके बच्चे में धड़कन नहीं है, 15 दिन में कौन सी धड़कन आ जाती है बेबी के अंदर। तो फिर उन्होंने 15 दिन की दवाइयाँ दी और इंजेक्शन लगाया मेरे। फिर 15 दिन बाद दोबारा बुलाया, तो फिर 15 दिन बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने ये बोला बच्चा सूख गया अंदर, और फिर एबॉर्शन के लिए बोल दिया। और तभी बोला उनको अपने घर वालों को बुलाओ, जहर फैल जाएगा, अभी एबॉर्शन करवाओ। ठीक है, मतलब आपको इंस्टेंट एबॉर्शन के लिए बोला गया? सीधा एबॉर्शन के लिए बोल दिया। और हमने किसी और हॉस्पिटल में जाके चेक करवाया, वो कह रहा आपका बेबी बिल्कुल नॉर्मल है। तो इन्होंने सीधा डायरेक्ट एबॉर्शन के लिए बोल दिया ना, मैं तो अपना बच्चा गवा देती, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचता, बताओ फिर मैं क्या करती। उसके बाद फिर आपने सोचा कहीं और एक बार चेक करवा ली? फिर और जगह चेक कराए तो भी उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल बताया। कहाँ कहाँ और चेक करवाया, रिपोर्ट्स दिखाएं एक बार, कहाँ कहाँ और चेक करवाया? महावीर दल में, जगदम्बा हॉस्पिटल में। दोनों ने क्या बोला आपको? दोनों नॉर्मल है बेबी हमारा। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं 12 दिसंबर को जब इस हॉस्पिटल में चेक करवाया गया तो इन्होंने बोला कि बच्चा सूखा हुआ, इस तरीके की जो वर्डिंग्स ये लोग बोल रहे हैं, और अभी की अभी अबॉर्ट करवा लो नहीं तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। अबॉर्शन के पैसे कितने मांगे थे? 15,000। 15,000 अभी लेके आओ, अभी अबॉर्शन करवा लो वरना जहर फैल जाएगा, अभी अपने घर वालों को बुला लो, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। बात बोली। कितने दिन बाद आप फिर नेक्स्ट जगह पर गई, महावीर दल में? अगले दिन ही। महावीर दल, हाँ जी, अबॉर्शन के लिए आना था हमने अगले दिन। फिर इन्होंने, मेरे हस्बैंड, उन्होंने बोला एक जगह और चेकअप करवा लेते, एक जगह पे विश्वास नहीं करना चाहिए। दोबारा गए, उन्होंने बोला बिल्कुल नॉर्मल है हमारा बेबी। फिर हमने तब भी नहीं यकीन करा, फिर हम महावीर दल में गए, उन्होंने भी बिल्कुल नॉर्मल बोला। अब रंगीन अल्ट्रासाउंड करवाया हमने, उसमें बिल्कुल बच्चा नॉर्मल है। अब दिसंबर के बाद अब नॉर्मल है बेबी आपको? हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल है। हम अभी वैसे ही आए थे डॉक्टर को ये बताने के लिए, सर आपने हमारी रिपोर्ट गलत बनाई है, तो ऊपर से चिल्ला रहे हैं, कब तक क्या हो गया, बेबी खराब हो जाता है तो क्या हो गया, और पैदा हो जाएंगे, और किस लिए है बच्चे पैदा करने? आपके पास रिकॉर्डिंग है इस चीज की, कोई प्रूफ है? सुनाएं एक बार। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है, जब ये आई चेकअप करवाने के लिए, इनको बोला गया कि बच्चे को एबॉर्ट कर दो, उसके बाद जब दो जगह और टेस्ट करवाया गया, जब संतुष्टि नहीं हुई कि ऐसे कैसे बच्चे को एबॉर्ट किया जा सकता है, तो दोनों जगह, महावीर दल हो या फिर जगदम्बा हॉस्पिटल, दोनों जगह ये कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे को एबॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। 12 दिसंबर को जो है ये लोग यहाँ आए थे, उसके बाद अभी भी जो है बेबी इनका ठीक है रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो ऐसे डॉक्टर्स का क्या करना चाहिए वो भी आप लोग जरूर बताइएगा, और इसके बाद जो रिकॉर्डिंग में आपको सुनाने जा रही हूँ उसके बाद शायद डॉक्टर्स को, जिनको हम भगवान कहते हैं, भगवान समझते हैं, उनकी जो है असलियत आप लोगों के सामने जरूर आएगी। एक बार रिकॉर्डिंग ये ध्यान से जरूर सुन लें क्या कुछ डॉक्टर से बातचीत हो रही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब मैंने सुनी मैं भी काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो गई। बच्चा बिल्कुल सूख गया, 1% भी चांस नहीं है। 15 दिन की आपने दवाई लिखी, 15 दिन हमने दवाई दी, इसको इंजेक्शन लगा, अल्ट्रासाउंड, आपने बोल दिया था अबॉर्शन कराओ इसका, अभी बच्चा सूख गया। हाँ जी, हाँ जी, क्या लेना है? तो जब सर आपने अबॉर्शन नहीं बोल दिया, हम तो कहीं और चेक करा, ब्लीडिंग तो इसको स्टार्टिंग से थे, पहली बार चेक किया तब भी ब्लीडिंग नहीं थी, और अब चेक करा था तब भी नहीं थी। दोबारा भी हो जाता है, हमारे
उस टाइम हम अपने बच्चे का ऑपरेशन करा देते हैं। एक बार बच्चा हो गया, बच्चों की लाइन लग जाती है, बच्चों की कोई कमी है। औरतें करती क्या है, सारा दिन बच्चे ही तो पैदा करती है। इस तरीके की चीज जो है डॉक्टर आर के चौधरी जो है उनके द्वारा इस रिकॉर्डिंग में साफ साफ बोली जा रही है। हालांकि रिकॉर्डिंग काफी लंबी है, पहली दो लाइंस जो है मैंने आप लोगों को सुनाई है कि एक डॉक्टर ये कहते नजर आ रहे हैं कि औरतें करती ही तो क्या है, सारा दिन बच्चे ही तो पैदा करती है। तो एक बार चलकर अंदर डॉक्टर से भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार क्या महिलाएं बच्चे देने की मशीन है, किस तरीके की सेंटेंसेस जो है वो किसी महिला के लिए, सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि सभी महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते इस रिकॉर्डिंग में नजर आ रहे हैं। अब क्या कुछ चाहते हो आप आगे? हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि हमारे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। और आपने बातचीत करने की कोशिश की डॉक्टर? हाँ जी, वो कहते हैं आपका जो नुकसान हुआ जितने पैसे लगे हैं वो वापस करते हैं, मतलब पैसे दे के सेटलमेंट करने की कोशिश की। हाँ जी। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? लालच नहीं है, मेरे हस्बैंड अपने काम पे, उनको कुछ अर्जेंट था इसलिए सर। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या लगती हैं ये आपकी वंदना? मेरे लड़के की छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बहू है जी हमारी। अच्छा। हाँ जी, हम तो ये चाहते हैं भाई, हम तो ये चाहते हैं भाई सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो चलिए एक बार अंदर डॉक्टर से बातचीत कर लेते हैं। चलिए आप लोग अंदर देखते हैं कि क्या कुछ डॉक्टर का इसमें कहना होगा, क्योंकि दोनों पक्षों की बात रखना काफी ज्यादा जरूरी है। एक बार डॉक्टर से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार उन्होंने इस तरीके की चीज क्यों करी कि एबोर्ट करवाने के लिए कह दिया, जबकि बच्चा बिल्कुल ठीक था, हालांकि थोड़ा वीक जरूर था, लेकिन एबोर्शन के लिए एकदम से कहा जाता है कि अभी के अभी जो है 15,000 रुपए लेकर आओ, अभी के अभी जो बच्चा है उसे एबोर्ट करवाओ। एक बार कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब अगर हम अंदर मिलते हैं उनसे बातचीत करने की। हालांकि डॉक्टर साहब जो हैं खुद ही बाहर आ गए हैं। सर एक बार हम बातचीत करना चाह रहे थे, अगर आप फ्री हैं तो 2 मिनट अगर आप दे पाए तो आ जाइए अंदर, आ जाइए। एक बार डॉक्टर सर से भी बातचीत कर लेते हैं। सर मैं उस साइड एंटर कर सकती हूँ, परमिशन है मुझे? नहीं, माइक में आवाज नहीं आएगी ना मुझे आपकी? ठीक है, आपकी एक रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, सुनाई भी देता है दिखाई भी देता है। डॉक्टर साहब पहले ही गुस्से में लग रहे हैं मुझे। जी सर, आपकी एक रिकॉर्डिंग, आपकी एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसमें आप ये कह रहे हैं औरतें करती क्या है, पूरा दिन बच्चे ही तो पैदा करती हैं, इस तरीके की बातें। और साथ ही साथ मेरे पीछे जो फैमिली खड़ी है इनको आपने रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एबोर्ट करने के लिए कराया था। हालांकि उसके बाद जब ये महाबीरदल हॉस्पिटल गए, जब ये जगदम्बा हॉस्पिटल गए, दो डॉक्टर से हमारी भी बातचीत हुई, इनका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, हालांकि थोड़ा वीक है लेकिन दवाइयाँ दी जा सकती हैं। लेकिन आपने बोला हुआ है कि 15,000 रुपये लेकर आओ, एबोर्ट कराओ, नहीं तो जहर फैल जाएगा। मैं ना साई थी, इन्होंने जो हिस्ट्री दी पेशेंट ने मेरे को ये बताया कि मेरा बच्चा 2 महीने का है, अल्ट्रासाउंड में वो आया 6 हफ्ते का, और उस स्टेज पे बच्चे में कोई धड़कन नहीं थी। ऐसे बच्चे को हम स्वस्थ नहीं मानते, उस रिपोर्ट के हिसाब से मैंने इनको राय दी थी। उसके बाद ये मेरे पास कभी नहीं आए, आज आके सीधा मेरे को गालियां। इन्होंने जो हिस्ट्री बताई वो गलत बताई, जिसकी वजह से आपकी, जिसकी वजह से आपने की रिपोर्ट्स गलत हो गई, यही मैं मान सकता हूँ ना? ठीक है, कौन सी डेट को ये लोग आपके पास आए थे? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को। मैम आप लोगों ने क्या चीज बोली थी कि मतलब बच्चा कितने टाइम का है, हिस्ट्री गलत बताई थी आप लोगों ने? 28 अक्टूबर डेट बताई थी। 28 अक्टूबर मेरे को बोलने देंगे एक बार? अब आप लोग बोल चुके हैं, एक बार सुनने। इन्होंने मेरे को बताई कि 28 अक्टूबर डेट है, मेरे पास 25 दिसंबर को आए, उसके हिसाब से 8 हफ्ते का बच्चा बनता था, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड में वो आया था 6 हफ्ते का, ठीक है, 15 दिन कमज़ोर था, 15 दिन कमज़ोर था, और बच्चे में कोई धड़कन नहीं थी, और उस इसको बच्चे के रोकने की दवाई दी गई, इंजेक्शन दिए गए, और इनको राय दी गई कि दोबारा आके अल्ट्रासाउंड करा लो। तो डॉक्टर सर का ये कहना है कि इन्होंने जो है अपनी हिस्ट्री गलत बताई, जिसके चलते हमने देखा कि बच्चे की जो धड़कन है वो नहीं चल रही है। इन्होंने बताया कि 2 महीने का है लेकिन बच्चा इन एक्चुअल कितने वीक्स का था सर? 6 हफ्ते का था, जिसके कारण इन्हें लगा कि अभी तक जो उसकी हार्ट बीट है वो सुनाई देनी चाहिए बट नहीं दे रही थी, जिसके चलते इन्होंने बोला कि बच्चे को एबोर्ट करा लो। ये तो इन्होंने अपनी एक बात का जो है जवाब दे दिया। दूसरी चीज मैं पूछना चाहूंगी, आपकी एक रिकॉर्डिंग है जिसमें आप ये साफ साफ क्लियरली बोलते नजर आ रहे हैं कि महिलाओं का काम ही क्या होता है, पूरा दिन बच्चे ही तो पैदा करने होते हैं। लेकिन आपने तो पूरा अबॉर्शन के लिए ही बोल दिया था कि बच्चा बिल्कुल सूख गया, 1% भी चांस नहीं है। 15 दिन की आपने दवाई लिखी, 15 दिन हमने दवाई दी, उसको इंजेक्शन लगा,
अल्ट्रासाउंड आपने बोल दिया था अबॉर्शन कराओ इसका, अभी बच्चा सूख गया। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद आप दोबारा आए क्या लेने आते थे सर? आपने अबॉर्शन नहीं बोल दिया, हम तो कहीं और चेक करा। इसको नहीं ब्लीडिंग हुई, दोबारा करो। ब्लीडिंग तो इसको स्टार्टिंग से थी, पहली बार चेक किया तब भी ब्लीडिंग नहीं थी और अब चेक करा था तब भी नहीं थी। दोबारा भी हो जाता है, हमारे 80% दोबारा होते हैं। उस टाइम हम अपने बच्चे का ऑपरेशन करा देते हैं। एक बार बच्चा हो गया, बच्चों की लाइन लग जाती है, बच्चों की कोई कमी है? औरतें करती क्या है सारा दिन, बच्चे ही तो पैदा करती हैं। औरतें करती क्या है सारा दिन, बच्चे ही तो पैदा करती हैं। सर इस लाइन का मुझे मतलब समझा दे, बीइंग अ डॉक्टर आप ये लाइन इतनी बड़ी सभी औरतों को टारगेट करके कैसे बोल सकते हैं? मैंने गलती से और गुस्से में बोल दिया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे भी और इनसे भी। पर इन्होंने बहुत ये मेंटली प्रिपेयर होके आए थे, रिकॉर्डिंग जेब में डाल के लाए थे कि मेरे को बार बार गुस्सा दिलवाना। अच्छा मतलब सर रिकॉर्डिंग ना होती तो सबके सामने ही ना आ पाता कि आप इस तरीके की चीज भी पेशेंट को बोल सकते हैं? अगर आपको कोई भी गुस्सा दिलवाता है, जैसे आप एंटर करी जी डॉक्टर साहब गुस्से में है, मैं कोई गुस्से में नहीं था, फिर भी आपने मेरे को भड़काने की कोशिश की मैं कुछ गलत बोलूं। और नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, रिकॉर्डेड है सब चीजें, वो तो हमारे व्यूअर्स भी बता देंगे और जो देखेगा वो भी बता देगा। डॉक्टर साहब गुस्से में है, मैं गुस्से में नहीं था, मेरा तो लंच टाइम था, मैं तो अभी लंच के लिए भी नहीं गया, निकल रहा था, मेरे को कोई नहीं पता था कि आप लोग आ रहे हैं और या कोई प्रिपेयर्ड है या कोई मेरे पे अटैक करने वाला है, चाहे वर्बल अटैक हो। इट्स नॉट एन अटैक, ये सिर्फ एक जनरल बात है। इट्स जस्ट अ जनरल डिस्कशन, बोलने बात है जो की क्लियर होनी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से मेरे को 2 मिनट आप चुप रह के बोलने के लिए देंगे, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पेशेंट की हिस्ट्री गलत थी, उसकी वजह से गलत रिपोर्ट दी गई, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं उसकी गलती मानता हूँ। आदमी से कभी भी गलती हो सकती है, जो मैंने गलत बोला वो इनके भड़काने पे बोला, ये बहुत गुस्से में थी और मेरे को लगा ये मेरे को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, तो मैं उस ब्लैकमेल से अवॉइड करने के लिए इनको 2-4 लफ्ज ऐसे बोले कि हम आपको देख लेंगे, हम उसमें जाएंगे, आपने गलती की है। मैंने कहा मेरी रिपोर्ट गलत की वजह से आपका क्या नुकसान हुआ? इनको कोई नुकसान नहीं हुआ, बच्चा इनका स्वस्थ है, जिंदा है और आगे प्रेगनेंसी चल रही है, बच्चा तो ठीक ठाक है। हम उस चीज़ को नेगलिजेंस मानते हैं जिसमें हमारी गलती से ओमिशन या कमीशन से पेशेंट को कोई नुकसान हुआ। ये बात मैंने आपकी मान ली कि रिपोर्ट्स जो गलत हुई वो इनकी जो इन्होंने हिस्ट्री बताई थी गलत बताई थी उस वजह से हुई, हालांकि वो इस चीज़ को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का इशू है। दूसरी चीज़ जो वर्डिंग्स आपने यूज़ की, क्या आपको लगता है आपका इतने सालों का सर एक्सपीरियंस है, सब लोग आपको करनाल में जानते हैं और मानते भी हैं, इतने सालों का आप लोग आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपको ये लाइन बोलनी चाहिए थी कि औरतें करती ही क्या, मतलब ये तो आप सभी औरतों को टारगेट कर रहे हैं ना, मतलब बच्चा पैदा करने की मशीन है औरतें? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोला, ना मैंने मशीन वर्ड यूज किया, मैंने ये वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, द वे यू वर स्पीकिंग, कि ये इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे थे जिसमें किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। सर उसमें दोनों की जो रिकॉर्डिंग है उनकी भी बातचीत की है और आपकी भी, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कोई भी गलत या अपशब्द आपके साथ यूज किया कि आपको आप भड़क गए। उनको पता था मेरी जेब में रिकॉर्डिंग चल रही है, अगर मेरे को पता होता मेरे जेब में रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं भी कुछ ऐसा ध्यान रखता। रिकॉर्डिंग ना होती सर तो मतलब ऐसा है कि आपको ऐसा कोई इंसान नहीं है, इवन मोदी साहब को भी गुस्सा आता है, आपको भी गुस्सा आता होगा, ये गुस्सा करना नेचुरल फितरत है, इंसान की फितरत है, अगर कोई गुस्सा दिलवाए किसी को भी गुस्सा आ सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है। क्या आपने ये बात कही थी अबॉर्शन के लिए अभी के अभी 15,000 रुपए लेके आए, नहीं तो जहर फैल जाएगा? ब्लैकमेल करने की इनकी नियत है, इनका दिमाग में खोट है, मन में खोट है और ये सारे ब्लैकमेलर हैं। 15,000 कोई भी कुत्ता भी नहीं बोलेगा कि हम किसी से लेते हैं, किसी से लेते हो, कोई ये प्रूव कर दे तो मैं इनको 15 लाख दूंगा। तो आप देख सकते हैं हालांकि स्टेटस ठीक है, हम भी 1,000 यहाँ 10,000 लोग खड़े कर सकते हैं जो हमारे यहाँ पे बैठे हैं हमारे भी। तो आप लोगों को कुछ ऐसा मतलब अगर सर हार्ट पेशेंट है तो उसी चीज़ की रिस्पेक्ट कर मैंने पहले कॉल पे भी बात की और नॉर्मली मैं कि एटलीस्ट एक बार बात क्लियर हो जाए। नहीं अब आपको कुछ क्लियर हुआ? जी हुआ, आपको कुछ क्लियर हुआ? ये जो बोल रही हैं 15,000, आप किसी से पूछ लो कि भी 15,000 यहाँ लिए जाते हैं और वो भी 6 हफ्ते की मिस्ड अबॉर्शन के लिए, इसका मतलब इनकी नीयत खराब थी, इनका ब्लैकमेल की इंटेंशन थी, हम 15,000 आपको बोलेंगे तो मेरे से 30,000 लेंगे। देखिए हमारी तरफ से अगर कोई अगर लीगल लैप्स लगता है तो वी आर रेडी फॉर अ फुल ट्रायल, उसके लिए बहुत चाहे आप इसमें जाइए कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, चाहे आप नेग्लिजेंस में जाइए, चाहे आप सीएम विंडो में जाइए, उसके लिए आई एम डॉक्टर साहिल चौधरी, आई एम हिज सन, आई एम अ रेडियोलॉजिस्ट ठीक है। अगर आपको है तो प्रॉपर चैनल से जाइए, वी डोंट बिलीव इन मीडिया ट्रायल, ये वन साइडेड स्टोरी है,
हम उसको नहीं बिलीव, वन साइडेड नहीं हम इसको करना चाहते, दैट्स व्हाई वी आर हियर। हम कह रहे हैं कि अगर उनको कंप्लेन करनी है आप फॉर्मल चैनल से करिए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, मीडिया का भी सपोर्ट करेंगे, उनका भी करिए, पर गलत एलिगेशन मत लगाइए, गलत एलिगेशन मत लगाइए कि हमने 15,000 इनसे डिमांड की है, हमने बिल्कुल नहीं। मैंने तभी आपसे पूछा कि आप लोगों का क्या पक्ष है, मैंने तभी आपसे, इन्होंने आपको बोला ना मैंने 15,000 मांगे या किसी ने, हम मांगे, आप अब इंडिपेंडेंट ना प्रूफ है ना हमारा ये रेट है। अगर मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ, मैं 800 मांगता हूँ तो 800 ही लूंगा, कोई कहे नहीं जी इन्होंने 2000 मांगे थे, मैंने 2000 दिए थे। आप क्या कुछ कहना चाहोगे, आप लोग 15,000 तो रेट ही नहीं है यहाँ पर एबोर्शन का भी, आपने बाहर मुझे बोला। मैम ऐसे है, बोला था इन्होंने हमें डराया या कुछ भी करा, ऐसे पैसों का लालच होता है। अभी अभी बुलाओ अपने घर वालों का एबोर्ट, अभी करवाओ बच्चा, वरना जहर फैल जाएगा। ये बात बोली कौन था नर्स, आपने आपने हिस्ट्री इनको गलत बताई, बिल्कुल भी। अगले दिन हमने अल्ट्रासाउंड कराया, वो उन्होंने कैसे बता दिया नॉर्मल है, डेट भी वही थी सेम, कहने को तो वो भी कह सकते थे। रिपोर्ट को भी पढ़ लीजिए, उसमें भी 15 दिन का डिफरेंस आ रहा है, वो अगले दिन नहीं कराया, वो 4 दिन के बाद कराया, बच्चा दिन बाय दिन बढ़ता है, बच्चा बढ़ता रहता है, 3 दिन के बाद कराओ और सिचुएशन होगी, हफ्ते बाद कराओ और सिचुएशन होगी, वो हमेशा बंदा वाइजर हो जाता है जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है। और अब भी जो आज भी इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया उसमें भी बच्चे का साइज 15 दिन छोटा ही चल रहा है, अभी भी छोटा चल रहा है, चेक कर लो, आप पढ़ लीजिए रिपोर्ट, देख लीजिए, तो रिपोर्ट वीक नहीं है, बिहाइंड डेट्स है, अर्ली स्टेज में 8 महीने में और 7.5 महीने में पहचानना आसान होता है, 1.5 महीने में हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है, कंफ्यूजन हो जाती है, तो 15 दिन का गैप इस वजह से है। अगर पेशेंट हमें बोले कि हम कंफर्म्ड है तो हम बोलेंगे आगे ग्रो नहीं करेगा, यूजुअली प्रेशर प्रेगनेंसी में हफ्ता 10 दिन वेट करते हैं, नॉर्मल प्रोटोकॉल है, इसमें उनकी कोई मिस्टेक नहीं। तो ये डॉक्टर सर जो थे उन्होंने अपनी बात जो है रख दी है, एक बार बात चलकर बाहर चलकर जो है परिवार वालों से बातचीत कर लेते कि क्या कुछ आगे ये लोग करने वाले हैं, हालांकि वो अपनी गलती मान रहे हैं कि उन्हें इस तरीके के शब्द जो है वो यूज नहीं करने चाहिए थे, बाहर चलकर एक बार परिवार से भी बातचीत करेंगे। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइव तस्वीरें इस समय आप ये देख रहे थे चौधरी हॉस्पिटल से, जहां हमने आपको दिखाया किस तरीके से डॉक्टर सर ने भी जो है बहुत ही शांति से अपनी जो बात है पूरी वो सामने रखी, एक बार परिवार से बातचीत करेंगे। मैम अब क्या कुछ कहना चाहोगे, वो कह रहे हैं कि आपको कोर्ट का सहारा लेना है, आप लो, आपको पुलिस के पास जाना है, आप जाओ, हम उसी तरीके से देखेंगे इस चीज को। तो मैम हमने कोई इन पे वो ये केस वगैरह करने के लिए हमने कोई ओन नहीं था कि हम सिर्फ इनको एहसास दिलाने आए थे कि आपने गलती की है, कल हम अपना बच्चा गवा देते, एक दिन में कोई ग्रोथ नहीं बढ़ जाती मैम, जैसे बोल रहे हैं डॉक्टर साहब अगले दिन हमने अल्ट्रासाउंड, हाँ और ये कह रहे हैं ना लालच, इन्होंने पहले ये बोला कि ना पैसे दे के रफा दफा करो, रिकॉर्डिंग में आपने सुना है, और पैसे की होती तो हम आपको क्यों बुलाते, हम इसलिए बुलाया है क्योंकि सबको पता चले अगर किसी के साथ ऐसा ना हो जैसे हम कर देते हैं, उस दिन हम अपना बच्चा गवा देते फिर क्या रहता हमारे पास। कैसे बोलते हैं कि भी लेडीज क्या है बच्चे पैदा करने के लिए ही तो है ये वर्ड, इस वजह से हमें ज्यादा गुस्सा है कि भी लेडीज सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए है और कोई काम ही नहीं लेडीज के पास, ऐसे रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं। आपको आपके ऊपर जो ब्लैकमेल करने के आरोप लग रहे हैं उस पे क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? ब्लैकमेल करना होता ना कब के कर देते, ठीक है इन्होंने ये बोला कि ना पैसे दे के रफा दफा करो, हम डायरेक्ट इनसे पैसे लेके भी तो रख सकते थे, हमने ये था कि सबको पता चलना चाहिए कि क्या कर रहा है ये, और एक नहीं पता नहीं कितनी बार ऐसे किया होगा, आगे भी कर सकता है, इसलिए पैसे लेने होते हम कब के लेके चले जाते हैं, आपको थोड़ी ना बुलाते हैं, हम इसलिए बुलाया कि सबको पता चले क्या कर रहा है डॉक्टर, और 15,000 बोल रहा है इन्होंने बोला था खुदा भी अबॉर्ट करवाने के लिए बच्चे को बुलाओ, अभी अबॉर्ट करवाओ वरना जहर फैल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे चौधरी हॉस्पिटल के बाहर से, जहाँ एक परिवार जो है काफ़ी ज़्यादा संगीन आरोप लगाते नज़र आ रहा है यहाँ के डॉक्टर्स पे कि किस तरीके से उनको अबॉर्ट करने के लिए कहा जाता है, हालांकि जब दो और हॉस्पिटल्स में चेक करवाया जाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है और बच्चा जो है अभी तक स्वस्थ ही है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी लोग आगे के लिए जागरूक ज़रूर हो सके कि अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ आप लोगों के साथ भी होती है तो आप लोग भी उसको श्योरिटी के लिए जो है एक बार चेक ज़रूर एक दो और जगह जो है ऑप्शन जरूर रखें, चेक जरूर करवाएं, क्योंकि अगर ये दूसरे हॉस्पिटल में ना गई होती एबॉर्ट करवा चुकी होती तो वो काम बहुत ज्यादा गलत हो जाता। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के चौधरी हॉस्पिटल से, और साथ ही साथ अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सहयोगी अंजलि राठी के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा करनाल।
पैसों का लालच होता हम चुपचाप चले जाते हैं, मीडिया को नहीं बुलाते।